मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा रिकैप ऑफ अवर प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, हम लोगों ने भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम, हमने ये एक्ट पढ़ा था। ये एक्ट के लिए क्या है हमारा 1949, ये एक्ट हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग इसी का रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसके रिवीजन के अंतर्गत सबसे पहली चीज जो है भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम आवश्यकता, हम लोगों ने ये डिस्कस की थी इसकी। आवश्यकता क्या है, आप हम इसे महत्व भी कह सकते हैं कि क्यों भारतीय बैंकिंग अधिनियम की आवश्यकता महसूस हुई है। हम लोगों ने इसके अंतर्गत पॉइंट्स डिस्कस किए थे, वो ये थे कि इन द हिस्ट्री ऑफ बैंक्स बैंकिंग कंपनीज की फेलियर्स हो गए, सारी जो बैंकिंग कंपनीज थी उनको लॉसेस हो रहे थे, उनका मैनेजमेंट सही नहीं था, उनकी उत्पादकता और उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि हेतु भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम की आवश्यकता महसूस हुई। इसके अलावा और क्या था, साख नीतियां, मौद्रिक नीतियां, मुद्रा पर नियंत्रण करने हेतु भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम की हमें आवश्यकता महसूस हुई। इसके अलावा और साख नियंत्रण या फिर मौद्रिक प्रसार जो है उसको भी नियंत्रित करने के लिए और क्या क्या कारण थे, और ये था कि देशी बैंकर और जो बैंकिंग संस्थाएं थी इन दोनों के मध्य कोऑर्डिनेशन या समन्वय का अभाव था, जिसके कारण से भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम की आवश्यकता महसूस हुई। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, बैंकिंग का इतिहास। हमें पता था कि जब तक बैंकिंग अधिनियम नहीं था, इसके पहले इंडिया में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1881 जो था वो कार्यरत था, लेकिन वो धीरे धीरे एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो बैंकिंग फेलियर्स हुए और उसको सुनियोजित, सुव्यवस्थित और उसका विकास अच्छे से करने के लिए क्या हमें आवश्यकता होगी, भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम की। उसके पश्चात 1913 में इंडियन जो कंपनीज एक्ट है उसके अंतर्गत बैंकिंग के लिए प्रोविजन किए गए। 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया, और फिर फाइनली देखा गया कि बैंकिंग कंपनी का इतना सब करने के बावजूद भी उसका सही ढंग से विकास नहीं हो पा रहा है, तो फिर फाइनली 1949 में इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसको लाया गया। फिर सितंबर 1965 में अमेंडमेंट्स किए गए थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया, इसके पहले निजी बैंक और विदेशी बैंकों का इंडिया
इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमारा जिसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था। इसके अंतर्गत हमने बैंक, बैंक की परिभाषा, बैंक के खास बैंकिंग कार्य, प्रदत्त पूंजी, रक्षित कोष, लाभांश का वितरण संबंधी प्रावधान, ऋण संबंधी प्रावधान, इसकी प्रबंध व्यवस्था, इसकी रिपोर्ट के संबंध में वार्षिक विवरण का अंकेक्षण के संबंध में प्रावधान, लिक्विडेशन हो जाए उसके संबंध में प्रावधान, तो व्यवसाय है उसका स्थगन करना, उसका समापन करना, ये सारे के सारे जो मेन प्रोविजन थे ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे अंडर मेन प्रोविजन इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने जो इस मुख्य प्रावधान के अंतर्गत संशोधन जो अमेंडमेंट्स किए गए थे तब किए गए थे ये सितंबर 1965 में। जो चेंजेस किए गए थे वो चेंजेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। सबसे पहला जो था उसके अंतर्गत हमारा क्या था, नाम परिवर्तन। पहले ये बैंकिंग नियमन ही था, पहले ये था भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम, ये वाला बैंकिंग कार्य कर रही थी, लेकिन इस अमेंडमेंट के अंतर्गत उन सभी को शामिल किया गया। फिर उनके संबंध में जो जो भी मुख्य प्रावधान थे लाइक कौन कौन से, उनके कार्य के संबंध में, उनके ऋण के संबंध में, उनकी प्रबंध व्यवस्था के संबंध में, उनकी प्रदत्त पूंजी के संबंध में, सारे के सारे प्रोविजन जो है वो सारे के सारे यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किए। ठीक है, आवश्यकता क्यों महसूस की गई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखिए आप भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अनुसार बैंकिंग के निषिद्ध कार्य, निषिद्ध कार्य कौन से होंगे जो एक बैंकिंग कंपनी को नहीं करने के होते हैं, वो वाले कार्य लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट टिप्पणी आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, इस पर
प्रबंधन व्यवस्था एवं ऋण नियंत्रण कौन से हैं? एज पर मीन प्रोविजंस में मीन्स प्रोविजंस जो है मुख्य प्रावधान क्या है? प्रदत्त पूंजी के संबंध में, प्रदत्त व्यवस्था के संबंध में और ऋण नियंत्रण के संबंध में ये। और एक और लास्ट भारतीय मुख्य संशोधन संशोधन क्या कहते हैं, या अमेंडमेंट्स कहते हैं, या क्या चेंजेस इसके अंतर्गत किए गए हैं वो लिखिए। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने बैंकिंग नियमन अधिनियम नहीं लिखा है, यहाँ पर मैंने बैंकिंग कंपनी अधिनियम लिखा है, क्योंकि ये पहले बैंकिंग कंपनी अधिनियम के नाम से था, फिर सितंबर 1965 में इसका नाम